ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने साल 2016 में आई इमोशनल और अखाड़ा फिल्म दंगल ना देखी हो। ये वो फिल्म थी जिसमें फिल्म के कलाकारों ने खून पसीना बहाकर अपने किरदारों में जान डाली थी और फिल्म की स्टोरी लाइन तो इतनी गजब की थी कि ये फिल्म उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और तभी से ही इसके दूसरे पार्ट की डिमांड चली आ रही थी जो कि जल्द पूरी की जाएगी, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म के प्रति लोगों का उत्साह देखते हुए इसका सीक्वल बनाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपको पर्दे पर दंगल 2 देखने को मिलेगी, जिससे जुड़ी ये जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कि ये फिल्म कब कहाँ रिलीज होगी, इस बार फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आएंगे और इस बार फिल्म में किस तरह की कहानी प्रस्तुत की जाएगी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म दंगल वो फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कर कमाई की थी, जिसकी कहानी महावीर नाम के एक पहलवान पर आधारित थी जो अपने देश के लिए कुश्ती चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखता है और जब वो खुद ये सपना पूरा नहीं कर पाता तो वो अपनी 4 बेटियों में से 2 बेटियों गीता और बबीता फोगाट को अखाड़े में उतारता है और उन्हें कुश्ती में ट्रेंड करके आखिर में उन्हें गोल्ड मेडल दिलवा कर अपना अधूरा सपना पूरा करता है। तो ये थी फिल्म की छोटी सी कहानी जिसे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था, जिसके चलते लोगों ने इसके सेकंड पार्ट को लाने की गुहार लगाई थी जो अब पूरी की जा रही है। बात करें दंगल 2 की कहानी की तो इस बार फिल्म की आगे की कहानी महावीर की दूसरी बेटी बबीता के इर्द गिर्द घूमेगी जो अपने पिता और देश के लिए दूसरा कुश्ती चैंपियन मेडल जीतेगी। वहीं इसमें आपको पहली बेटी गीता की शादी की भी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस बार पिता के रोल में अभिनेता आमिर खान ही अपना योगदान देते नजर आएंगे और इनकी बेटी बबीता के रोल में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा दिखाई जाएगी, जिनके साथ कुछ और स्टार कास्ट भी ऐड होंगे। लेकिन अगर बात करें फिल्म की रिलीजिंग डेट की तो इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो फिलहाल अभी नहीं हुई है, पर हाँ ये फिल्म आपको इस साल के एंड तक स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। वेल दोस्तों, क्या आप दंगल 2 देखने के लिए बेताब है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।